देखिए क्वेश्चन देखते हैं जो जेई 20 जुलाई शिफ्ट वन का है। इफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स फंक्शन जिसका डिफाइंड हो, एफ एक्स इज डिफाइंड, जहां पर भी इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड होता है वहां इन्वर्टिबल लिखा होता है। जैसे आपने मैट्रिक्स में भी ये वर्ड पढ़ा होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो, तो वही चीज यहां पर है, वन वन ऑन टू फंक्शन। इफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x-2, जी एक्स इज ऑल्सो एन इन्वर्टिबल फंक्शन, जी एक्स भी इन्वर्टिबल है, सच दैट आपको क्वेश्चन दिया है एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स क्या होगा। ये एक्स माइनस टू है तो जी इनवर्स एक्स तो हो गया बेटा एफ एक्स माइनस टू, इन्वर्टिबल है पता ही है। अब एफ एक्स माइनस टू कैसे निकलेगा, सिंपल है, एफ एक्स 3x-2 है भाई, तो एफ एक्स माइनस टू जो चेंज इधर वही चेंज इधर, 3 × x-2 -2 तो 3x-8, तो जी इनवर्स एक्स हो गया 3x-8, तो x इक्वल टू जी 3x-8 मिल गया मुझे। यहां पे क्वेश्चन खत्म। अब कंसेप्ट समझिएगा कि आपको यहां पर ये नहीं बोला है, उन्होंने पूछा है कि जी एक्स क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप इन्वर्स में करते हो, सिंपल है कि थोड़ी देर के लिए 3x-8 को t मान लीजिए, तो आप तो यहां से x की वैल्यू निकालिए तो t+8/3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, t+8/3 इक्वल टू जी टी। अब t लिखो या x लिखो एक ही बात होती है, ये आ गया आंसर। तो x+8/3 इक्वल टू जी एक्स, तो ये आंसर हो गया। राइट, नोट करिए क्वेश्चन।